दमोह के सांसद प्रहलाद पटेल द्वारा दमोह संसदीय क्षेत्र से एक बार फिर सांसद का चुनाव लड़ने का बयान आने के बाद अब मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव के बेटे अभिषेक टीपू भार्गव ने भी दमोह संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ने की मंशा जताई है। दीपू भार्गव दमोह एक आयोजन में शामिल होने के लिए आए थे। इस दौरान उन्होंने दमोह संसदीय क्षेत्र से अपनी दावेदार पेश करने की बात मीडिया से कही। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि के अवसर पर दमोह के जिला अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था। इस शिविर के दौरान नेता प्रतिपक्ष के पुत्र अभिषेक दीपू भार्गव ने भी यहां रक्त का दान दिया। वहीं इसी दौरान मीडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में हर एक कार्यकर्ता को टिकट मांगने का अधिकार है और इसी अधिकार के नाते भी वे दमोह संसदीय क्षेत्र से टिकट के दावेदार कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा वे लगातार बीते चुनाव से ही क्षेत्र में सक्रिय हैं और बेबी दमोह संसदीय क्षेत्र से सांसद बनना चाहते हैं। दीनदयाल जी की पुण्यतिथि के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा आज यहाँ दमोह जिला चिकित्सालय में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है और ये मेरा भी सौभाग्य है कि इस कार्यक्रम में आने के कारण मुझे भी रक्तदान करने का अवसर मिला। निश्चित तौर पर ऐसे समाज से जुड़े हुए जो जरूरतमंदों से जुड़े हुए कार्यक्रम हैं इन्हें सभी राजनीतिक पार्टियों को करना चाहिए। केवल राजनीतिक पार्टियों का उद्देश्य राजनीति करना ही नहीं होना चाहिए, समाज के बीच में एक उदाहरण प्रस्तुत हो ऐसे भी कार्यक्रम हम सभी की तरफ से होने चाहिए। ये केवल विधानसभा चुनाव की बात से नहीं, विधानसभा चुनाव के पूर्व से भी लगभग कहना चाहिए कि 7-8 वर्षों से 2014 के पहले से मैं दमोह लोकसभा में सक्रिय हूँ। चूँकि एक अंदर इच्छा भी है कि गृह क्षेत्र है तो यहाँ से पार्टी पर उसकी टिकट पर मैं क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करूँ, ऐसी मंशा है। बाकी जो निर्णय होता है वो पार्टी का अंतिम निर्णय होता है।